हाय गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूं रुधीर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं जर्न जी की एक अनदर वीडियो, खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के घपले बाज मैनेजर विवेक सिंह दीपक सिंह। ओके, दीपक सिंह, विवेक सिंह। स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नमस्ते जी। यूट्यूबरों को धमकाना बंद करो भाई। ये उंगली एक तुम्हारी तरफ है, तीन चार हमारी तरफ है, अब ये सब तुम्हारी तरफ है। ये है आम जिंदगी। इतना चप्पल मारूंगा ना इसको, अगर इसने एक भी चीज प्रूफ नहीं किया तो इतना चप्पल मारूंगा ना इसकी बुद्धि सही है। भेज रहा है ऑडियो उसको। ये कौन सी जिंदगी है? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लौंडा ये। चप्पल से मारेगा भाई? चप्पल से लड़कियां मारती हैं। असली मर्द हो ना, जूता से मारो। सकाल है, बवाल है, इनसे मिलो। ये है मोस्ट पॉपुलर सेलिब्रिटी पूर्व मैनेजर ऑफ खेसारी लाल यादव। पूर्व कांग्रेस जी का होता है। गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। खैर छोड़ो, जाने दो, हिंदी में बतियाते हैं। माय ठेला इज वैगन। नाम विवेक सिंह, पता मुझे नहीं पता, उनसे ही पूछ लेना। ये लोग के माध्यम से कर लेना। मुझे बस इतना पता है पूर्व मैनेजर कहना होगा। खेसारी लाल यादव के मैनेजर रह चुके हैं और इनको मोस्ट पॉपुलर सेलिब्रिटी के मैनेजर का अवार्ड भी मिल चुका है। वो बात है कि जिनके ये मैनेजर थे उनको मोस्ट पॉपुलर का कभी अवार्ड मिला ही नहीं। मतलब सेठ से ज्यादा नौकर पॉपुलर है। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो। जैसा कि आप जानते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में नॉर्मली कुछ नहीं होता है। इंडस्ट्री का कोई व्यक्ति अगर खाना भी खाए तो विवाद उसमें भी ढूंढा ही जाता है कि कवर ऐसे खाया जाता है, ये ऐसे क्यों खा रहा है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग आपके यहाँ किसी का नौकरी छोड़ देने का या किसी को नौकरी से निकाल देने का मोस्ट ऑफ द टाइम रीजन क्या होता है? अबे मुझे क्या पता, यही कि काम करने वाले को काम पसंद नहीं आया, छोड़ के चला गया, या फिर काम करने वाले का काम सेठ को पसंद नहीं आया, सेठ ने काम से निकाल दिया। सिंपल, ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है। आपने भी कभी न कभी एक जगह पर काम किए होंगे, नहीं पसंद आया होगा, या उसे आपका काम पसंद नहीं आया होगा, उसने निकाल दिया होगा, फिर आप कहीं दूसरी जगह काम पकड़े होंगे, वहां किए होंगे। कोई बात है इसमें नहीं। बट भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री, यहाँ पर नॉर्मली कुछ नहीं होता है। क्या बात कर रहे हैं? यहाँ हर एक्ट में सीन है, हर सीन में राज है, हर राज में न्यूज है और हर न्यूज में विवाद है। आप करोड़ों रुपया का गमन का आरोप है, तो दफा उसी के तहत विवेक सिंह को आरोपी बना करके कटघरे में खड़ा कर दिया गया। आरोप ये कि भाई साहब ने 9 करोड़ का घपला करके खेसारी भैया को ऐसे बर्बाद करके निकल लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, करोड़? तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? कहा ना कि भोजपुरी में कुछ भी नॉर्मली नहीं होता है। सही बात, विवेक सिंह चोर है, इतना पैसा मार दिया खेसारी लाल का। डिट्टो सेम टू सेम यही कहानी रची गई पवन सिंह के पूर्व मैनेजर दीपक सिंह के लिए। वहां पर भी आरोप सेम टू सेम कि दीपक सिंह 4-5 करोड़ रुपए का घपला करके अपनी जेब भर के निकल लिए पवन सिंह को बर्बाद करके। हाँ तो बताइए ना, 4-5 करोड़ में बर्बाद हो जाएंगे? गानों से लेकर के फिल्मों तक, फिल्मों से लेकर के यूट्यूब तक, यूट्यूब से लेकर के इंस्टाग्राम के लाइव तक, लाइव से लेकर के इवेंट के विवाद तक, हर चीज में खेसारी पवन का आपस में कंपैरिजन कराया जाता है। बिल्कुल, तो इनके मैनेजरों को कैसे छोड़ दिया जाएगा? बात तो सही है, जब एक घपला करके भागा है तो पवन सिंह कैसे पीछे रहेंगे? उनका मैनेजर भी घपला करके भागेगा। मैं कह तो रही हूँ कि हाँ भैया, जैसी ऑडियंस होगी ना वैसा ही कि खेसारी लाल यादव या पवन सिंह के मैनेजर ने करोड़ों का घपला किया या नहीं किया। मजे की बात तो ये है कि ये करोड़ों के घपले का इल्जाम वो लगा रहे हैं जिनके घर में नमक के रोड़े नहीं है। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? 1,00,000 करोड़ अगर उनको दिखा दिए जाए ना तो उनका पूरा खानदान बेहोश हो जाए। वो इल्जाम लगा रहे हैं कि विवेक सिंह और दीपक सिंह ने करोड़ों का घपला कर लिया है। देखे हो कभी करोड़ रुपए कितना होता है? और जिसका नौ करोड़ चोरी हो जाए या कोई घपला कर ले या कोई लेके भाग जाए, तो जिसका लेके भागेगा वैसे खामोश बैठा रहेगा चुपचाप से, मजा ही आ रहा है। हम सर 9-10 करोड़ रुपए लेके भाग गए। रेलवे स्टेशन पे पाकिट मरा जाए जिसमें 500 रुपया हो तो 2 दिन लोग हंगामा कर देते हैं। मेरा 500 रुपया चोरी हो गया,
और थाना पुलिस सब कुछ हो जाएगा, और यहाँ करोड़ों रुपया घपला हो गया, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। पुलिस भी नहीं आ रही। और उससे भी मजे की बात यह है कि जिनकी तिजोरी से करोड़ रुपया निकाले गए हैं उन्हें पता नहीं है कि हमारी तिजोरी में से करोड़ रुपया निकले भी हैं, वो नहीं कुछ बोल रहे हैं। जिन्होंने सपने में भी कभी उस तिजोरी को नहीं देखा था उन्हें ही सिर्फ पता है कि हाँ उस तिजोरी से करोड़ रुपया निकले हैं। कैसा हालत हो गया है साला? नहीं मतलब जिसके घर में चोरी हुआ है वो कहे कि हाँ हमारे घर में चोरी हुआ है तो उस पर बात करें, अपना भी थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएं कि हाँ कौन चोर हो सकता है तो समझ में भी आता है। किसी के घर चोरी नहीं हुआ और गांव भर चोर दौड़ा रहे हैं। हमारे यहाँ ये तो उल्टा ही हो गया। देखो चोरी का चांस वहाँ होता है जहाँ इंसान सिर्फ नौकर होता है, लेकिन यहाँ पर चाहे खेसारी लाल यादव के पूर्व मैनेजर विवेक सिंह हो या फिर पवन सिंह के पूर्व मैनेजर दीपक सिंह हो, ये दोनों पवन सिंह या खेसारी लाल के सिर्फ नौकर नहीं थे। और विवेक बहुत मेहनती है, पढ़े लिखे हैं, पेपर यही देखते हैं। लेकिन अगर सच्चा दोस्त आप कमाए हैं वो दोस्त आपके काम जरूर आता है, वो मेरा दोस्त है, इसका नाम है दीपक सिंह। एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ मैं आपको। मान लीजिए कि आप बहुत अमीर आदमी हैं, मैं आपके यहाँ काम भी करता हूँ और साथ साथ सर आपके हमेशा साथ साथ ही रहता हूँ, आपके पास करोड़ों रुपए की गाड़ी है, उसमें आगे आप बैठते हैं पीछे मैं बैठता हूँ, वो करोड़ रुपए की गाड़ी जो मजा आपको दे रही है वही मजा मुझे भी दे रही है, यानी कि करोड़ों के मजे आप भी ले रहे हो मैं भी ले रहा हूँ, तो ऐसी सिचुएशन में मैं आपकी तिजोरी में चोरी क्यों करूंगा? मुझे नहीं पता है कि कल आपको पता चलेगा तो फिर मैं ऑल्टो में भी घूमने के लायक नहीं बचूंगा, तो ये करोड़ों का मजा छोड़ के मैं थोड़ी सी चोरी के चक्कर में क्यों ऑल्टो में घूमूंगा? पागल हूं मैं, बेवकूफ हूं, कुत्ता काटा है मुझे? करोड़ों की चोरी करने के बाद मुझे वो फैसिलिटी नहीं मिलेगी जहां मुझे यहाँ फ्री में मिल रही है, ऊपर से सैलरी भी मिल रही है, तो मैं बेवकूफ हूँ चोरी करूंगा? तो मुझे कतई नहीं लगता कि यहाँ पर दोनों ने किसी भी प्रकार की पैसे की चोरी की होगी। हाँ ये है कि जहां पर लगाव रिश्तों में परिवर्तित हो जाते हैं, चाहे वो दोस्ती का रिश्ता हो भाई का रिश्ता हो, जब लगाव रिश्ते में परिवर्तित होते हैं वहां पर मनमुटाव जरूर होता है। तो ये दोनों जो खेसारी लाल या पवन सिंह के मैनेजर हैं, ये जो अलग हुए हैं ये उनके आपसी मनमुटाव का नतीजा हो सकता है। हो सकता है कि इन्होंने कुछ काम ऐसा किया हो कि इनके सेठ को न पसंद आया हो, या फिर हो सकता है कि इन दोनों के सेठों ने ही कुछ ऐसा काम किया हो कि इनको पसंद न आया हो, तो ऐसे में मनमुटाव हो जाता है। बट एक बात और भी है कि रिश्तों में जो मनमुटाव होते हैं ना वो बहुत ही गहरे होते हैं, वापस से वही रिश्ता फिर से कायम नहीं हो पाता है। हाँ हो सकता है कि प्रोफेशनली ये लोग फिर से वापस से जा करके अपनी जगह पर काम करने लग जाएं, ये हो सकता है, पहले हुआ भी है, बट पहले की तरह लगाव नहीं हो पाएगा, मेरा ऐसा पर्सनली मानना है। लेकिन किसी एम्प्लॉय को काम से निकाल देना या किसी एम्प्लॉय का काम छोड़ देना ये सब कुछ एक नॉर्मल सी बात है, इस पर इतना हवा नहीं खड़ा करना चाहिए। बहुत सारी इंडस्ट्री में बहुत सारे स्टार हैं जिनके बहुत सारे मैनेजर बदल चुके हैं, कई तो ऐसे जिनके मैनेजर के बारे में आप जानते भी नहीं होंगे, और कई सारे ऐसे हैं जो अपने 10-20 साल के करियर में कई सारे मैनेजर बदल चुके हैं, आप जानते हो कभी होता है इस तरह का ड्रामा? हाँ भाई आपका काम मुझे पसंद आ रहा है मैं रखूंगा, नहीं पसंद आ रहा निकाल दूंगा, या फिर मैं जो सैलरी दे रहा हूँ आपको समझ में आ रहा था आप रहोगे, नहीं समझ में आ रहा छोड़ दोगे काम, यही है ना? और कुछ है इन भोजपुरी में किसी ने काम छोड़ दिया निकाल दिया कंट्रोल। खैर जो कुछ भी बोला हूँ ये मेरा पर्सनल राय है, हो सकता है कि बातें इससे कुछ अलग भी हो सकती हैं, ज्यादा डीप अंदर तक मुझे नहीं पता है कि इन लोगों के बीच में क्या हुआ है, ये तो वही लोग बता सकते हैं, बट फिलहाल वो लोग कुछ नहीं बता रहे हैं, तो चिल मारो एंजॉय करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। किसी भी बात का बतंगड़ बनाने में तो भोजपुरी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा आगे है, सच में सच बता रही यार। इतनी सी छोटी सी भी बात होगी ना कि हाँ किसी को सर्दी हो गई जुखाम हो गया उसका भी ये लोग राई का पहाड़ बना देंगे, अरे फलाने को निमोनिया हो गया, अरे इनको कुछ और हो गया, ठीक है तो वही चीज है, भगवान ना करे किसी को हो, लेकिन वही तिल का ताड़ बनाने की आदत है यार। एक किसी की नौकरी चली गई, किसी के शादी के कार्ड को तुम लेके दिक्कत है, तुम्हें मतलब दो मैनेजर जो जिनसे तुम्हारा दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, है ना, कुछ भी
किसी से कोई वो नहीं है, रिश्ता नहीं है, ना वो मैनेजर घर आके तुम्हें पैसे पकड़ा के जा रहे कि हाँ भैया मेरे बारे में ऐसे ऐसे बोलो, ना तो ये हो रहा कि हाँ वो तुम्हारे घर परिवार चलाने में तुम्हारा हेल्प कर रहे हैं, नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी ये फालतू के विवाद करने हैं इन लोगों को, मतलब हद हो गई यार, हद हो गई। तो इस बारे में आप लोगों की क्या राय है ये मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।